हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा है आप सबकी ज़िंदगी में। और आज की वीडियो में ना भाई, हम चंडीगढ़ जा रहे हैं काम से। देखो, बिना काम से तो यार कहाँ ही जाया जाता है, इतना महंगा डीजल हो रखा है। डीजल वैसे हम नेक्स्ट पेट्रोल पंप से पाएंगे, अभी तो हवा वगैरह भरवा रहे हैं। और इस ब्लॉग में ना वो ये, जैसे मैंने ना एक पुरानी वीडियो डाली थी, उसमें मैंने आपसे पूछा था कि आप लोग चाहते हैं कि चंडीगढ़ में दिखाऊँ, चंडीगढ़ को एक्सप्लोर वगैरह करूँ। तो आज मैं आपको चंडीगढ़ की कुछ फेमस पॉइंट्स वगैरह होते हैं वो दिखाऊंगा। एक्सप्लोर करेंगे हम चंडीगढ़ को, क्योंकि काम भी है उधर ही। 35 सेक्टर चंडीगढ़ का हार्ट जिसे हम कहते हैं। फिलहाल तो अभी कार में हवा वगैरह भर रही है, 35 हम हवा करवा रहे हैं इसमें। अरे भाई, इंस्टाग्राम चला रहे हैं इधर। रेंज रह चुके हैं 20, और जमाई जिसे कहते हैं ना, एंड पे आके करवा रहे हैं डीजल। और भाई, जैसे चंडीगढ़ जा रहे हैं ना, एक और चक्कर में आपको बताता हूँ। जैसे नेट लगा हुआ है, हाँ जीरो चेक कर लेते हैं, ठीक है। देखो मैं कह रहा हूँ, जैसे नेट लगा है ना, ये उतारना पड़ता है। आपने पुरानी वीडियो देखी होगी, चलान हो जाता है इससे, नेट भी उतार दिया अभी याद था। डीजल का रेट देख लो भाई, 96.84 है इधर, बहुत ही बुरा हाल है। 2000 में ना आधी टंकी हुई है। पहले मतलब एक दो डंडे ज़्यादा आ जाते थे, वो ये महंगाई इतनी ज़्यादा हो रखी है ना। तो अभी एवरेज देख लो, इतनी सही दिखा रही है 26.2, क्योंकि क्रूज लगा रखा है और हाईवे है, टूटा फूटा हाईवे है। और फिलहाल तो ना हम सबसे पहले जाएंगे एलांटे मॉल, जो कि आपको पता ही होगा चंडीगढ़ का फेमस मॉल है, सबसे फेमस वही है एलांटे। और एक वीयर पंजाब है, वो मोहाली खरड़ की साइड पड़ता है, वो अलग ही कंसेप्ट आ जाता है, वो भी मतलब इतना फेमस नहीं है। बट जो चंडीगढ़ के जो मेन पॉइंट्स है ना, मैं आपको गिनवा भी देता हूँ भाई। छोटा सा है चंडीगढ़, मतलब जो दिल्ली वगैरह से उनको बहुत ही छोटा लगेगा। एक है सुखना लेक, एक है एलांटे, एक वो रॉक गार्डन होता है ना, वो मतलब पहले, हाँ रॉक गार्डन, रोज गार्डन, ये सब पहले होता था। हाँ, पंजाब यूनिवर्सिटी, एसडी कॉलेज हो गया, ठीक है जी। और जो 35 सेक्टर है वो बहुत ही फेमस है, क्योंकि उसे कहते हैं कि चंडीगढ़ का दिल है, क्योंकि बीच में सिचुएटेड है। उधर आपको मतलब खाने पीने के सारे शोरूम्स वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये वो ड्रम बटरम चीजें मिल जाएंगी। और वो यार चंडीगढ़ ना एक तरफ से पंचकूला से जुड़ा हुआ, एक तरफ से मोहाली से जुड़ा हुआ, मतलब ट्राई सिटी हाँ कहते हैं वही। जब भी आपको पता है यूटी है वैसे तो पंजाब और हरियाणा की कैपिटल है, तो मतलब कि ये है कि सुंदर बहुत है। बट जैसे दिल्ली मुंबई वगैरह में होता है ना, एक जगह इतनी दूर, एक जगह इतनी दूर, इधर ऐसा वो नहीं है, सब कुछ पास पास है और इतना बड़ा नहीं है, और इतना मतलब इतना सब कुछ नहीं है जैसे दिल्ली में होता है कि ये है वो है फलाना है। जो दिल्ली के वो समझ रहे होंगे, मुंबई के वो भी समझ रहे होंगे, ट्रैफिक जो रूल्स है हद से ज्यादा स्ट्रिक्टनेस है इधर, हद से ज्यादा स्ट्रिक्टनेस। क्योंकि तभी मैं सोच रहा हूँ कि इसी हाईवे पे थोड़ा बहुत स्टार्ट कर दूँ व्लॉग वगैरह। उधर जाके तो मुश्किल ही होता है फोन से रिकॉर्ड करना, उधर जाके तो मैं आपको सीधा एलांटे मॉल में ही मिलूंगा, उधर भी हमें कुछ काम है। फिलहाल भाई डायरेक्टली एलांटे मॉल ही मिलते हैं। फाइनली एलांटे मॉल पहुंच चुके हैं, वो रहा सामने एलांटे मॉल। और देख लो इधर BMW मिनी कूपर के शोरूम वगैरह भी हैं। एलांटे मॉल में हमें 2-3 काम है। मैं कहा इस बहाने ना आपको मैं एलांटे मॉल के दर्शन भी करा दूंगा कि ये इतना फेमस क्यों है मॉल। वैसे फेमस तो क्या है यार, पहले ना सेक्टर स्टारा होता था फेमस, जहाँ पे सारे शोरूम्स वगैरह होते थे। अब ये बन चुके हैं, अब इधर आते हैं लोग सेक्टर स्टारा की वो चाम वगैरह सारी खत्म हो रखी है। इधर वो ये सारे शोरूम्स वगैरह हो जाते हैं, कार से लेके कपड़ों के, फिर फूड कोर्ट, फिर वही थिएटर वगैरह, ये सब होते हैं। फिलहाल तो अंदर चलते हैं, पार्किंग में लगाते हैं, डिग्गी भी खोलवाते हैं, देख लो। देखना कैसी मशीन थी रखी भाई। अब इधर पार्किंग ढूंढते हैं। फाइनली आफ्टर 10 मिनट्स पार्किंग हमें मिल गई है। मतलब एलांटे आने का ना भाई एक ही दुख है, तभी मुझे मतलब ये ऐसा पसंद नहीं है जगह, इधर पार्किंग की बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है। बट ठीक है जी, जो है वो है, अब काम भी जरूरी था। ऐसा कुछ है भाई मॉल, मतलब जैसे जो यार होते हैं मॉल्स वगैरह वैसे ही है, सच तो क्या ही मैं आपको इसमें दिखाऊंगा। बट वो ये जहाँ पे हमें काम है, मैं उधर ले जाता हूँ आपको, उधर से दिखा दूंगा, यही है। देखो शोरूम्स वगैरह हैं इधर, मतलब इधर ना बड़े बड़े हर शोरूम है। वही है, जेब में पैसा हो तो इधर आ जाओ, हम तो कुछ पैसा पूसा ही नहीं, छोटा मोटा काम है इस करके आ रखे हैं। जो दिल्ली रहते हैं उनको तो छोटा मॉल लगता होगा, दिल्ली में मेरे ख्याल से क्यों पैसिफिक मॉल है, DLF पे एम्बियंस है, DLF का कोई मॉल है उधर तो बहुत ही बड़े बड़े हैं, गुड़गांव वगैरह में। हाँ वही गुड़गांव, दिल्ली भाई, नोएडा, वो जैसे इधर पंचकूला चंडीगढ़ वगैरह है ना, जुड़े जुड़े से ही है। ये है एलांटे मॉल की बैक साइड, आप देख लो, सस्ता 360 व्यू भी ले लो। और इधर एक चक्कर है कि अगर हमने मास्क उतार दिया ना, पीछे से पुलिस वाला सीधा आएगा, हाँ भाई किधर, फिर फोटो दिखा के आपका चलान वगैरह डिशुम हो जाएगा, इसलिए हम मास्क लगा के घूम रहे हैं। और इधर वही है हयात रेजेंसी, 5-स्टार होटल वगैरह है,
हमें इधर काम है, उसका अंदर भी एक और काम है, उधर वापस चलेंगे, इधर का ज़्यादा ज़रूरी है तो हमने सोचा पहले इधर ही चलते हैं। बट वही है, एरिया आप देख लो, बड़ा मतलब अमेजिंग एरिया लगता है, अमीरों वाली भी लगती है। तो गाइस जो काम था वो तो निपट चुका है, आपको आने वाली वीडियो में वो भी दिख जाएगा क्या काम था, उसकी ना बड़ी डिमांड थी तो वो वाली वीडियो का भी काम हो चुका है। फिलहाल हम चलते हैं एप्पल के शोरूम में, उधर हमने कुछ बुक कराने हैं, वो आपको मैं उधर जाके बताऊंगा, क्योंकि वो ये अगर काम ना हुआ तो पोपट हो जाएगा, उसकी मतलब डिमांड वगैरह ज़्यादा ही होती है, और जो कलर लेना उसकी ज़्यादा डिमांड होती है। तो देखते हैं आगे क्या सीन बढ़ता है। और इधर आप एक चीज़ नोट करना, म्यूज़िक ना बजता रहता है, बजता रहता है। जैसे मैंने आपको बताया था काम तो बना नहीं, अब हम जाएंगे 35 सेक्टर आपको दिखाएंगे। इधर तो आपने देख लिया मॉल भाई कैसा होता है कैसा नहीं, यही है इधर का फेमस मॉल एलांटे मॉल चंडीगढ़ का। तो चलते हैं पार्किंग में। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि भाई पार्किंग में कहाँ पे कार खड़ाई है वो नहीं याद रहता ना, उधर का जो पोल जो पे नंबर लिखा होता है ना, इधर से नीचे मोहल्ला लागे ही होगा है ना, जो पार्किंग में उधर वो नंबर से लिखे होते हैं ना, टी ये टीन ये वो भी हमें मतलब ढंग से याद नहीं है। बट स्टिल देखते हैं क्या सीन बनता है। चलो जी फाइनली पार्किंग मिल चुकी है। मैं आपको बता रहा था ना कि इधर मिलती नहीं है पार्किंग, फिर मुझे एकदम याद आया यार इसमें ब्लू लिंक भी तो है, ब्लू लिंक से सब पता चली जाता है कहाँ पे है कार कहाँ पे नहीं। पैंतीस सेक्टर पहुंच चुके हैं और इधर भी पार्किंग के पैसे देने पड़ेंगे। इधर बड़ा सियापा है भाई, पार्किंग के पैसे देते रहो, उधर भी 40 रुपए, इधर भी 12 रुपए मेरे ख्याल से। चलो पूछते हैं, हमने 10 रुपए तभी खुले बाहर निकाल रखे हैं। कितने? 12। इन पकड़ियो ये लो 10। पर्ची ले ली, रख दी। यार कमेंट सेक्शन में ना आप जरा बताना है आपको क्या लगता है 12 रुपए का क्या हिसाब होता है इधर, मतलब हर जगह ऐसा ही है 12-14, मतलब राउंड ऑफ नहीं है, फिगर समझ नहीं आता। फिलहाल ये आप देख लो 35 सेक्टर की मेन मार्केट है, ये दूसरा पार्ट है, पहला पार्ट दूसरी साइड है, हमें काम इस साइड है, और एक इनर मार्केट भी है इधर। तो हम वही है भाई, एक और एप्पल का जो शोरूम है उधर आए हैं, उधर मतलब बात हो गई है फोन पे, अभी जब बुकिंग अमाउंट दे देंगे। एप्पल स्टोर से भी निकल चुके हैं, काम बन ही गया हमारा। और एक बार आप चंडीगढ़ की ना सुंदरता देख लो, पेड़ पौधे, मतलब मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी। अब इनर मार्केट जा रहे हैं 35 सेक्टर की, उधर में का बहुत देर के निकले हुए, थोड़ा बहुत खा लें स्ट्रीट फूड, अगर मिला कुछ अच्छा था दिखाते हैं आपको भी। ऐसी कुछ है भाई ये इनर मार्केट, पहले जब मैं कॉलेज आता था ना इधर स्टॉल्स वगैरह लगते थे, आज इधर नहीं स्टॉल वगैरह ही नहीं है। मोड़ लूँ इधर से, फिर यूटर्न ले लूँ इधर से, हाँ इधर से निकाल लेता हूँ ना फिर, तो एक ही बात पड़ेगी। तो भाई प्लान चेंज हो गया, इधर तो कोई स्टॉल्स वगैरह है ही नहीं, हमने कहा कहीं और ही चलते हैं। फिर से प्लान में थोड़ा चेंज हो गया, हमें इधर एक कुछ चाय चुई वाला मिल गया था, हमने सोचा इधर कॉफ़ी वगैरह ही पी लेते हैं, और इधर हमने कार अपनी पार्क कर दी है। मतलब ठीक है यार इनर मार्केट में ना आज शांति है, क्योंकि आज है भाई मंडे, मैं आपको दिखा ही देता हूँ, आज है मंडे और 5 बजे अभी इतना पी कार भी नहीं है। नहीं इधर से ले जाए, इधर से पास पड़ेगा, सीधा लाइटें बहुत आएंगी इधर चंडीगढ़ में, यही चक्कर है भाई लाइट्स वगैरह इतनी ज़्यादा है ना, और एक तो मास्क पहन के रखना पड़ता है नहीं तो चलान हो जाता है उसका भी, रूल्स एंड रेगुलेशंस तो मतलब हद से ज़्यादा ही हैं। अभी फ़ोन चलाइए मत, ना चलाऊंगा, ग्रीन लाइट ही है, ये भी बड़ा चक्कर है, कैमरे मतलब सीधा ई चलान आता है जैसे भाई का फ़ोन आ रहा है, चला नहीं सकते अभी आप। फिलहाल तो आप देख लो, अब जैसे टाइम भी 5:30 हो गया है ना, तो हाँ मतलब ये पी कार्स वगैरह ऑफिस वगैरह के छूटते हैं लोग वगैरह, और अब जाम होना शुरू होएगा 6-7 बजे तक, तो और जाम वगैरह हो जाते हैं। और भाई मैं ना एक और चीज़ आपको क्लेरिफाई करना चाहता हूँ, जैसे हम एलांटे मॉल गए, मैंने आपको एलांटे मॉल दिखाया, बट आपने और ब्लॉग्स में देखा होगा कि बंदे शॉपिंग करते हैं, हम देखो जो सच होते हैं वो दिखा देते हैं, हम इतने मतलब वो नहीं है कि समझ रहे होंगे कि हम इतने ब्रांडेड कपड़े इधर उधर से नहीं लेते हम इतने, तो आप थोड़ा समझ लेना उस हिसाब का ही ब्लॉग होता है, थोड़ा लो बजट ही चलते हैं हम। 1 लाख शॉपिंग फ्रॉम एलांटे मॉल, क्लिकबेट।
जो ये वाली रोड है ना, ये वन ऑफ द बेस्ट रोड है चंडीगढ़ की। इधर इंडस्ट्रियल एरिया, इधर वही 28-29 सेक्टर्स वगैरह होते हैं, और इधर मतलब इस साइड जाएंगे ना, पीछे की साइड तो ट्रिब्यून चौक वगैरह आ जाते हैं, उधर से मतलब जीरकपुर अम्बाला, आप लोग समझ रहे होंगे जो मतलब इधर की साइड रहते हैं। इधर मतलब बेस्ट रोड, बेस्ट व्यू, आगे मतलब तो थोड़ा पता नहीं धूमधांध है क्या है, माउंटेन्स नहीं दिख रहे, बट इधर से माउंटेन्स भी दिखते हैं, जो चंडीगढ़ से कहते हैं माउंटेन्स दिखते हैं, वो इसी रोड से दिखते हैं माउंटेन्स वगैरह। और एक चक्कर है भाई, इधर ना हम क्रूज मोड ही यूज कर रहे हैं, क्योंकि 60 से ऊपर अगर कार जाती है तो वही है भाई ई चलान टाइम, तो 55 पे क्रूज लगा देते हैं। बड़ा चक्कर है भाई, बड़ा ज्यादा चक्कर है। और ये ना इंडिया का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वैसे एशिया का है सबसे बड़ा एयर प्यूरिफायर, और नीचे देख लो इसमें वो एयर प्यूरिफिकेशन टावर लिखा भी है। और मेन तो ना ये देखो आर्ट कितनी बढ़िया, मतलब कि जो आर्टिस्ट है ना, बहुत ही अमेजिंग आर्ट है भाई। ये चंडीगढ़ का साइन वगैरह बन रखा है, बटरफ्लाइज वगैरह ऊपर आप देख सकते हो, पोर्स वगैरह भी हैं। मुझे समझ नहीं आता इसकी वर्किंग वगैरह ऐसे कैसे चलता होगा कैसे नहीं। और नीचे बंदे भी बैठते हैं, ऑफिस है नीचे इनका। तुझे क्या लगता है एयर प्यूरिफाई करता होगा ये? करता होगा, पता नहीं ना वैसे, मतलब कहते हैं जैसे दिल्ली में था एक एयर प्यूरिफायर, कहते हैं उसके आसपास ना फिर गंदगी बहुत हो जाती थी, पता नहीं कुछ ऐसा सीन था। अगर आपको इसके बारे में पता है ना तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना भाई क्या है क्या नहीं, बट देखने में बहुत ही अमेजिंग लगता है। ये ना मैं एक तरह से हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पे, मतलब जहाँ पे ना चंडीगढ़ खत्म हो जाता है, उधर वाली लाइटों पे फंस रखे हैं 5 मिनट से, और अभी भी बहुत ही दूर है लाइट्स, आप देख लो बहुत ही ज्यादा जाम है भाई। बाइक वाले को कितनी ज्यादा जल्दी है, ये देखो जब से लड़ रहे थे निकलने दे, क्लोज ब्रो क्लोज, नहीं निकलेगी जब से लड़ रहे, कह रहे जान दे, वो देखो धक्का मार दिया। बट चलो वो सब ठीक है, बट ये एक्टिवा पे मर्सिडीज का साइन क्या कर रहा है? चलो आप जाम का ना टाइम लैप्स एंजॉय करो, टाइम लैप्स मेरे ख्याल से बहुत बड़ा बन जाएगा, जो आपको पता चलेगा कितना गंदा जाम है इधर भाई। टाइम लैप्स में आपने एक जाम तो देख लिया, अभी दूसरा जाम भी आ रहा है। अब मैं काम करता हूँ, हाईवे पे चढ़ के भाई ब्लॉग स्टार्ट करता हूँ, जाम में क्या ही दिखाऊंगा, हम तो खुद ही पागल हो गए हैं ऐसे जाम में फंस के भाई। जाम की वजह से ना देख लो एवरेज कितनी ज्यादा गिर चुकी है, 18.3 हो चुकी है, नहीं तो पहले आपको पता 20 कुछ दिखा रही थी। फाइनली 15-20 मिनट और लगे जाम में, बट भाई जाम से हम निकल चुके हैं। और आज के ब्लॉग में मैंने आपको ना जो मतलब जहाँ जहाँ पे मेरा काम था मैंने वही वाली जगह दिखाई है। एलांटे में हमारा काम था, वो भी मतलब हो ही गया काम, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखी जाएगी। एमजी एस्टर के ऊपर है, मैं क्या ही सस्पेंस रख रहा हूँ, इतनी तो मेरी ऑडियंस भी नहीं है। एमजी एस्टर है ना, बहुत कमेंट्स थे जब मैंने एक और रिव्यू डाला था कि उसकी टेस्ट ड्राइव भी करो, तो फाइनली आज उसकी टेस्ट ड्राइव भी हो चुकी है, बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था, वो आप उस वीडियो में देखना। और वही एप्पल का भी कुछ यार, वो आप अलग ब्लॉग में देखना, थोड़ा बहुत सस्पेंस भी जरूरी है। उधर कुछ मतलब सामान वगैरह लेना था, उसकी बुकिंग करा दी हमने, इसलिए हम 35 सेक्टर गए थे। और एलांटे मॉल के बारे में आप सबको पता ही है यार, मतलब फेमस जगह एलांटे मॉल ही है। एक तो ना इसकी ब्लोअर की आवाज आ रही होगी, मैं ऑफ कर दूं पहले। और 35 सेक्टर भी जैसे मैंने आपको बताया, वो भी एक वन ऑफ द फेमस सेक्टर में से आ जाते हैं। वैसे तो कमेंट सेक्शन में आप बताना आप चंडीगढ़ का कौन सा एरिया चाहते हैं कि मैं एक्सप्लोर करूं। फिलहाल तो बस अब 6:20 हो चुके हैं, अब हम घर की साइड जा रहे हैं, तो इस व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। ये बिल्कुल ही रैंडम व्लॉग था भाई, हम तो बस काम से जाए थे, तो मैं सोचा एक बार व्लॉग भी बना लूं, क्योंकि कमेंट सेक्शन में आ रखा था कि चंडीगढ़ भी थोड़ा बहुत दिखाओ। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको वीडियो पसंद आई आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।